अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मंगाऊ गाड़ी चले। अरे गाड़ी मंगाऊ मैं बताएं आप कहाँ पहुँचे हैं, क्या शिकायत आपको प्राप्त हुई थी? मुझे गत 2 दिवस से ग्राम बागड़ तहसील देवास की मिट्टी के अवैध परिवहन की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी तारतम्य में आज दिनांक को कहा मौके पर उपस्थित हुए। मेरे साथ हमारे क्षेत्र के फील्ड ऑफिसर भी साथ में हैं और खनिज का पूरा अमला है। हमें रास्ते में आते वक्त दो काली मिट्टी के डंफर मिले, उन्हें हमने थाने पर पहुँचाए हैं और फिलहाल मौके पर ये जेसीबी जब्त की है। मैम क्या नाम सामने आ रहा है जो खुदाई कर रहे थे? लखन जाट का नाम सामने आया है। कब से हो रही खुदाई मैडम? कुछ कितने समय से ये खुदाई चल रही है और मुझे कितनी हानि हो चुकी? दो दिन पहले प्राप्त हुई थी, क्योंकि ये एरिया पूर्व में जो देवास उज्जैन मार्ग बना है इसमें यहाँ पर गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी को पूर्व में परमिशन जारी हुई है, तो वो भी खुदाई के निशान है। मैडम यहाँ पे जो है फोकलेन चल रही थी, माना जा सकता है कि यहाँ पे अवैध उत्खनन काफी बड़ी मात्रा में हुआ है? हाँ, जहाँ मौके पर खड़े हैं वहाँ पर फिलहाल तो है, काफी मात्रा में तो नहीं है, जितना है हम मौके पे जितना देख पा रहे हैं। जैसे पीछे की साइड भी बड़े पैमाने पे खुदाई की गई है, तो क्या उसी में गिना जाएगा या फिर अतिरिक्त? नहीं, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा उज्जैन देवास मार्ग जब बना है तो टेम्परेरी परमिट समय समय पे जारी हुए है और वहाँ पानी भरा है, खुदाई के निशान नहीं है वहाँ पर। मैम फिर कैसे कह सकते हैं कि वहाँ जो हुआ है वो खुदाई इन्होंने नहीं की है? वहाँ पानी भरा है ना, देखिए आप, मतलब दूसरी तरफ जो है, दूसरे एरिया जो है सामने जाकर पीछे, नहीं उसके पीछे की साइड जो है सामने हाँ। उधर भी है। अच्छा जी, मैं अपना नाम आपको बता दीजिए। रश्मि पांडे, खरीज अधिकारी देवास। ठीक है।